बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल मुताज क्यूसीन। आज हम आपको बनाना बताएंगे आलू छोलिया। ये छोलिया हमारे पास एक पाव है, एक मीडियम साइज़ का आलू है हमारे पास, एक गिलास पानी है, लहसुन अदरक है 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून, एक ये हमारे पास चेरी टमाटर है, ये बड़ा अगर आप टमाटर लेंगे तो एक टमाटर है ये, एक मीडियम प्याज है और 4 से 5 हरी मिर्चें हैं। और पिसे मसालों में हमारे पास 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून नमक है और 1 टेबल स्पून हमारे पास ये चिली पाउडर है। इन सब चीज़ों को हम लोग प्रेशर कुकर में डालेंगे। ये देखिए, ये नमक और मिर्चें भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और साथ में ये हम लोग इसको सब्ज छोलिया, सब्ज चने और जहाँ इसका नाम जो है वो छोलिया है, इसको छोलिया भी कहते हैं। तो इसको फ्रीज़ करने का भी तरीका है, इसको निकाल के आप लोग अच्छी तरह धो लें, जहाँ थोड़ा सा ऑयल लेके उसके अंदर इसको सोतो करके और ठंडे करके रख लें, जहाँ पानी बॉयल करके तो उसके अंदर डाल दें और इसको फिर निकाल के तो रख लें। आप लोग इसको काफ़ी अर्से के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर हम एक गिलास पानी डालेंगे और इसको प्रेशर कुकर बंद करके इसको 5 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में पकाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखें, चने हमारे गल चुके हैं। अब हम इसके अंदर 1/2 कप ऑयल डालेंगे और इसको भून लेंगे और साथ में फिर आलू डालेंगे, थोड़ा सा उसको भूनेंगे और फिर इसमें पानी डाल देंगे, फिर आपको भून के दिखाते हैं। देखें, छोलिया हमारा भून गया है। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे, 2 मिनट इसको पकाएंगे साथ में, फिर इसमें पानी ऐड कर देंगे 1 ग्लास, फिर फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये देखें, आलू छोलिया हमारा तैयार हो गया। अब इसके ऊपर हम लोग गरम मसाला ऐड करेंगे और साथ में ये धनिया ऐड करेंगे और अब आपको सर्व करके दिखाते हैं। दोस्तों ये देखें, हमारा आलू छोलिया तैयार हो गया। इसको हम लोगों ने राइस के साथ सर्व किया है, सफ़ेद राइस के साथ। आप इसको रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।